चांद पर हैं एलियंस के शहर, गांव, मोहल्ला। चांद पर घर बनाकर सदियों से रह रहे हैं एलियंस। हर मून मिशन में एलियन और इंसान के बीच हुआ आमना सामना। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को दिखे थे एलियन। चंद्रयान 3 अभियान को लेकर हर भारतीय उत्साहित है। उत्साह के साथ साथ सभी के मन में चंद्रयान 3 अभियान को लेकर हजारों सवाल भी घूम रहे हैं। और इस खास चंद्रयान 3 सीरीज में हम आपके उन्हीं सवालों का जवाब दे रहे हैं। और ऐसा ही एक सवाल है कि क्या चांद पर घर और बस्ती बनाकर रह रहे हैं एलियंस। दरअसल दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज अंतरिक्ष में एक के बाद एक मिशन को अंजाम देने में जुटी हुई है। चांद से लेकर मंगल तक जीवन की तलाश की जा रही है और कहा जाता है कि एलियंस का रहस्य भी अंतरिक्ष में ही कहीं पर मौजूद है। ऐसे में हर किसी के जहन में ये सवाल उठता होगा कि अगर एलियंस अंतरिक्ष में हैं, तो फिर अंतरिक्ष यात्रियों से उनका सामना क्यों नहीं होता, और कहीं ऐसा तो नहीं इन यात्रियों का एलियंस से सामना तो हुआ हो लेकिन उसे दुनिया से छुपा कर रखा गया हो। एलियंस की ऐसी थ्योरी का आज इस एलियन स्पेशल रिपोर्ट में खुलासा करेंगे कि आखिर चांद पर एलियन वाली एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग की थ्योरी क्या है। धरती से 384,405 किलोमीटर दूर एलियंस का बसेरा, 11,000 किलोमीटर एरिया में बसी है एलियंस की बस्ती। तपते 260 डिग्री से -280 डिग्री में रह सकता है एलियन। सैकड़ों साल तक जिंदा रहते हैं दूसरे ग्रह के परजीव। चंद्रमा, जिसे लेकर इंसान सबसे ज्यादा क्यूरियस रहता है। चांद पर इंसान कई बार कदम रख चुका है। कई रोबोट मशीन ने चांद की धरती से मिट्टी और धातु के सैंपल रिसर्च के लिए लेकर आए हैं। चांद पर इंसानी बस्ती बसाने की प्लानिंग भी की जा चुकी है। भारत का चंद्रयान 3 मिशन भी चांद पर खोज के लिए निकला हुआ है। यहाँ तक कि चांद पर जमीन तक बेची जा रही है, यानी इंसान पृथ्वी की तरह चांद पर वो तमाम संभावनाएं तलाश रहा है जिससे वहां पर भी जीवन शुरू किया जा सके। लेकिन अब चांद पर एलियन को लेकर हुआ है एक बड़ा खुलासा। हर मून मिशन में एलियंस और इंसान के बीच हुआ आमना सामना। एलियंस मून पर घर और बस्ती बनाकर सदियों से रह रहे हैं। अंतरिक्ष के जीव के बारे में सच्चाई छुपाने के गंभीर आरोप। चीन के एक रोवर ने 2020 में चांद के सुदूर हिस्से में एक रहस्यमय वस्तु को देखा था। उसने इस रहस्यमय वस्तु को अपनी वर्तमान लोकेशन से 80 मीटर दूर से देखा है। चीनी वैज्ञानिकों ने इस क्यूब के आकार वाली वस्तु को रहस्यमय झोपड़ी का नाम दिया है। space.com की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये खोज नवंबर में की गई थी। चीन ने 2 साल पहले यूटू-2 रोवर को चांद की सतह पर लैंड करवाया था। अंतरिक्ष विशेषज्ञ का दावा करने वाले ब्रिटिश लेखक साइमन लुई ने बड़ा दावा करते हुए कहा था कि अमेरिका के मून मिशन अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों ने हजारों ऐसी तस्वीरें देखी जिनमें एलियंस के सबूत हैं। साइमन लुई के मुताबिक 1972 में अपोलो 16 मिशन के दौरान ली गई एक तस्वीर में एक लंबी सिगार जैसी आकृति देखने का दावा किया गया था। दावों के मुताबिक ये अजीब आकृति एक गड्ढे में छिपी हुई दिखाई दी थी। वहीं अपोलो 15 मिशन में उड़नतश्तरी जैसी चीज देखने का दावा किया गया था। ऐसी ही एक तस्वीर में अपोलो 11 लूनर लैंडर के साथ एक करीबी मुठभेड़ में एक चमकदार यूएफओ देखने का दावा किया गया था। 1969 में जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा तो उनका सामना भी एलियन से होने का दावा किया गया था। लेखक का दावा है कि एलियन की चांद वाली थ्योरी को सालों से अमेरिका ने दुनिया से छुपा कर रखा है। नासा ने अपोलो मिशन से जुड़ी कई तस्वीरों को कई परतों में दफन कर दिया, लेकिन अब इन राज से पर्दा उठने लगा है।
अपोलो मिशन में हुए एलियन एनकाउंटर पर ये कोई पहला दावा नहीं है। सन 2005 में भी अपोलो मिशन में शामिल एल्ड्रिन ने खुद इस रहस्य से पर्दा उठाया था और कहा था कि उन लोगों ने अंतरिक्ष में कुछ अजीबोगरीब चीजें देखी जो काफी करीब तक पहुंच गई थी। वहीं नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन दोनों ने कथित तौर पर दावा किया है कि चंद्रमा की ओर जाते समय उन्होंने एक यूएफओ देखा था। वहीं उस यूएफओ ने उनका पीछा किया। अपोलो 11 मिशन के नायक नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन दोनों ने ही अतीत में अज्ञात वस्तुओं पर चर्चा की थी जो उन्होंने चंद्रमा के रास्ते में अंतरिक्ष के माध्यम से अपनी यात्रा के दौरान देखी थी। 2005 में साइंस चैनल पर बोलते हुए एल्ड्रिन ने बताया कि कैसे 1969 के अपोलो 11 मिशन के चालक दल ने अंतरिक्ष में अज्ञात वस्तुओं को देखा। हालांकि इन अंतरिक्ष यात्रियों में से किसी ने भी एलियंस के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की, केवल कथित तौर पर कहा कि उनके मिशन के दौरान कुछ वस्तुओं की पहचान नहीं की गई थी। एल्ड्रिन ने कहा, वहां कुछ था जो देखने के लिए काफी करीब था और ये क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कथित रूप से देखे जाने की सूचना नहीं दी क्योंकि उन्हें डर था कि ये मिशन हाउस एंड वाइज रिपोर्ट को खतरे में डाल सकता है। हम ऐसा करने वाले नहीं थे क्योंकि हम जानते हैं कि उन प्रसारणों को सभी प्रकार के लोगों द्वारा सुना जाएगा और कौन जानता है कि किसी ने ये मांग कर दी तो एलियंस या जो भी कारण हो के कारण हम वापस आ जाएं। इसलिए हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन हमने तय किया कि हम सावधानी से पूछेंगे। 1969 के अपोलो मिशन में शामिल दूसरे अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिनका 2012 में निधन हो गया था, उन्होंने बताया था कि मिशन के आखिरी चरण में 21 जुलाई 1969 की सुबह 4 बजे यूएफओ जैसा यान दिखा था, जिसको लेकर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ह्यूस्टन के नासा सेंटर में मौजूद वैज्ञानिकों को बताया था। वो अज्ञात वस्तु किसी अंतरिक्ष यान की तरह नजर आ रही थी जो हमारा पीछा करते हुए लगातार हमें देख रहे थे। चंद महीनों पहले आर्मस्ट्रॉन्ग का ये इंटरव्यू पब्लिश हुआ था, जिसके बाद खलबली मच गई थी। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर घूम रहे थे, तब कुछ समय के लिए उनका प्रसारण जानबूझकर रोक दिया गया था। वो दोनों कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज भी काट दी गई। जानकारों का कहना है कि चांद पर अनेकों टावर हैं, जिनकी ऊंचाई 2000 से 2500 मीटर तक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने ऐसे ही किसी टावर को देखा था। ये जानकारी आम जन से छुपाई गई। ये टावर एलियंस ने कई हजार साल पहले पृथ्वी पर नजर रखने के लिए बनाए थे। चांद पर अजीबोगरीब रहस्य में संगीत बजने की आवाज को भी कई चंद्र यात्रियों ने सुना है। हालांकि नासा ने कभी इस बारे में आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। चांद पर जाने वाले कई यात्रियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि चांद पर एलियंस आते रहते हैं और चांद पर एलियंस का अपना बेस भी है। नासा समेत वैज्ञानिकों की कई टीम आज भी चांद पर उस रहस्यमय ठिकाने की तलाश कर रही है जहां पर परग्रही प्राणी छिपे हो सकते हैं, क्योंकि चांद पर इंसानी बस्ती बसाने की प्लानिंग जोर शोर से चल रही है। ऐसे में अगर चांद पर एलियंस पहले से मौजूद हैं, तो वो डेंजरस भी साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या चांद पर एलियंस रहते हैं या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चंद्रयान 3 पर आगे भी अपडेट्स आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बाय बाय।